गाजियाबाद के विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और दूसरे दिन साहिबाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान गठबंधन के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने कहा कि विधायक बनने के बाद पहली प्राथमिकता साहिबाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले खोड़ा क्षेत्र में पानी की मुकम्मल व्यवस्था करना होगा, क्योंकि लंबे समय से लोग पानी की परेशानी को झेलते आ रहे हैं। पहले मेरी प्राथमिकता मेरे क्षेत्र के अंदर कई जगह ऐसी है, जैसे सबसे पहले खोड़ा कॉलोनी है और खोड़ा कॉलोनी के अंदर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हर घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था ब्रजविहार से लेकर वैशाली तक, और वैशाली के गंदा नाला है जिसके कारण लोग बहुत बीमार होते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, इन यही मेन प्राथमिकता हमारी रहेंगी। अगर राजनीति की बात की जाए तो आपका राजनीति जो सफर रहा उसमें कई बार आपने दल बदले और दल बदलने के लेकर कई तरह के कटाक्ष भी सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए, ये जो दल बदलने का आप क्वेश्चन करते हैं, मैं जानता हूँ एक साल पहले आप दूसरे चैनल में थे, आज आप इस चैनल में हैं, आप भी चैनल बदलते हैं। मेरा मकसद दल बदलने का ये नहीं है कि हमें कोई दल बदल के फायदा होता। हम ये देखते हैं कि क्षेत्र की जनता की बात कौन सुन सकता है। जब हम विपक्ष में थे तो माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने हमारे क्षेत्र में मेरे कहे से 2400 करोड़ के विकास कार्य कराए, तो जो दल मेरे क्षेत्र का विकास कराएगा मैं उस दल को स्वीकार करूंगा। वहीं अगर बात की जाए जातिगत राजनीति की, जहां एक और अब तक स्वर्णों को साधने की बात चल रही थी, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जो तमाम लोग हैं दलितों के घर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनको फोटो आ रहे हैं सामने, किस तरह की राजनीति समझते हैं इसको? देखिए भैया, किसी के घर में चार दिन का खाना आया, एक दिन खाना खा गया, वो दो दिन का और बच गया बेचारे के यहाँ। अच्छा होता उनके यहाँ खाना दे आते तो ज्यादा बढ़िया होता। जी विधायक जी, साहिबाबाद विधानसभा जो है काफी बड़ी विधानसभा है, तो ऐसे में क्या कुछ आपने रणनीति तैयार की है जनता के बीच जाने की और जन समर्थन हासिल करने की? देखिए, हमारे सभी साथी, हमारे पार्षदगण, हमारे बहुत मजबूत साथी हैं क्षेत्र में, वो अपने क्षेत्र को संभाले हुए हैं और हम भी डोर टू डोर अपने सभी क्षेत्रवासियों के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। विधानसभा को सेक्टरों में बांटा है, क्या कुछ ये पूरी योजना है आपकी? किसी चीज को अगर आप हिस्सों में डिवाइड करके उसका रिजल्ट लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है ना, योजना नहीं होती, एक आदमी का अपना सिस्टम होता है कि भाई हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं ताकि कहीं उलझे ना और कहीं कोई दिक्कत ना हो। सर, यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा कही जाती है साहिबाबाद, ऐसे में आपको लगता है कि क्योंकि एक अपार डिफरेंस था लास्ट टाइम जब जीते थे सुनील कुमार शर्मा, तो लगता है कि जनता इस बार कुछ बदलाव चाहेगी? लगता नहीं है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, पूरा यकीन है अपनी जनता पे, वो मेरा साथ देगी और बदलाव करेगी, क्योंकि उन्होंने झूठे लोगों को देख लिया, जिस झूठे वादों के झांसे में वो आ गए थे उन्होंने देख लिया कि आज सरसों का तेल 50 रुपए किलो की जगह 200 रुपए लीटर हो गया, उन्होंने सब कुछ देख लिया, डीजल पेट्रोल जहां बात होती थी 40 रुपए लाने की अब 110 रुपए, 105 रुपए, 100 रुपए हो गया। सबसे